नमस्कार, मैं दिव्यानी, NBC में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। शीत सत्र के पहले ही दिन विदर्भ और किसानों का मुद्दा गूंजा सदन में। विधायक अनिल बोंडे ने उठाया पृथक विदर्भ का मुद्दा। पुणे, पिपड़े, चिंचवड़ की झोपड़पट्टी और कॉलोनी को नियमित करने की मांग को लेकर 4 विधायकों ने दिया इस्तीफा। और भाजपा का रास्ता रोको आंदोलन से चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस सहित सैकड़ों गिरफ्तार व रिहा। विस्तार से महाराष्ट्र राज्य के शीतकालीन सत्र का कामकाज सोमवार से नागपुर के विधानमंडल में शुरू हुआ। सदन में विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने सदन की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करते ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक प्रस्ताव सदन में रखा, जिसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन सोमवार से उपराजधानी में शुरू हुआ। सदन में विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने सदन की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करते ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक प्रस्ताव सदन में रखा। इस प्रस्ताव पर विपक्ष नेता एकनाथ खड़से समेत अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए स्वर्गीय मंडेला द्वारा रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और उनके औदार्य पर विभिन्न उदाहरण देकर उनकी महान संघर्षशीलता की तारीफ की। शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि वर्ण भेद के खिलाफ स्वर्गीय मंडेला ने लड़ाई शुरू की थी और वो जीते भी थे। उनका संघर्ष यहीं तक नहीं थमा, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने गोरे काले लोगों में संघर्ष ना हो इसके लिए भी प्रयास किए। शोक प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने स्वर्गीय मंडेला को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने की घोषणा सदन में की, जिसके बाद सदन के सभी सदस्यों ने स्वर्गीय मंडेला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच सदन के दिवंगत सदस्यों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैमरा पर्सन नितिन तिलगुड़े के साथ तौसिफ पठान की रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने विदर्भ के कई मुद्दों और किसानों की समस्याओं को लेकर विधान भवन परिसर में हंगामा मचाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जनविरोधी है। 4 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कड़ी शिकस्त देने के बाद सोमवार को राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार पर आक्रामक रवैया इख्तियार करते हुए विधान भवन परिसर में जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं बल्कि विपक्ष में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। विपक्ष ने विदर्भ के कई मुद्दे और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार की भूमिका किसान और जनविरोधी है। अतिवृष्टि से किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिला है। केंद्रीय टीम सहित केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने विदर्भ का दौरा किया और नुकसान ग्रस्त पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक सरकार ने अपने दिए हुए वादे पर अमल नहीं किया है। आज विदर्भ में आप अधिवेशन ले रहे हो, विदर्भ में रोज किसानों की आत्महत्या हो रही है। सरकार ने अतिवृष्टि के बाद जो पैकेज घोषित किया, उस पैकेज में कोई भी पैसा किसानों को मिला नहीं है। धान, कपास, सोयाबीन, इसके भाव सरकार ने इतने गिराए हैं कि जिसके चलते आज किसान को एक प्रकार से आत्महत्या के लिए प्रवृत्त होना पड़ रहा है। ये किसान विरोधी सरकार है। विदर्भ के और भी मसले किसी भी मसले के ऊपर ये सरकार निर्णय नहीं करती। आज जिस प्रकार से बिजली के भाव लगे हैं, विदर्भ से इंडस्ट्री जा रही है, नई इंडस्ट्री तो आने का नाम नहीं है। मिहान प्रकल्प पीछे पड़ गया है,
मियो मेडिकल जैसे हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर सरकार निर्णय 10-10 साल नहीं कर सकती, इसलिए ये नकारा सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हमने हल्ला बोल किया है। इस बीच विपक्ष ने कपास और सोयाबीन के उचित मूल्य देने की मांग भी की थी। गौरतलब रहे कि राज्य में मौजूदा सरकार के चलते महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। आखिर सरकार अपने आखिरी कार्यकाल में विदर्भवादियों को क्या सौगात देती है, यह देखना होगा। शीत सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। सबसे पहले विपक्षी नेताओं ने एक साथ जमा होकर विधान भवन परिसर में जमकर हंगामा किया। विदर्भ किसानों के मुद्दे लेकर और विदर्भ के कई समस्याओं के मुद्दे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद विदर्भवादी नेताओं ने भी एक साथ जमा होकर पृथक विदर्भ की मांग की। सदन में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। वहीं विधान परिषद में जादू टोना विधेयक कानून पर चर्चा की गई, सरकार का प्रेजेंटेशन उस पर हुआ, जिसमें विपक्ष ने सरकार की कई खामियां उसमें गिनाई और सरकार को उस खामियां में सुधार करने की हिदायत भी दी गई, जिसके बाद सभी दलों की मंजूरी से वो पारित किया जाएगा, ऐसी भी बात सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज पहला दिन दोनों भी सदनों में कोई खास कामकाज नजर नहीं आया। विधान भवन से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन तिलगोले के साथ तौसीफ पठान, एनबीसी न्यूज, नागपुर। सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भाजपा ने सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, पेट्रोल डीजल गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ घेरते हुए नागपुर सहित पूरे राज्य में रास्ता रोको आंदोलन किया। कॉटन मार्केट चौक पर रास्ता रोको आंदोलन के दौरान नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर गरीबों का हक मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सरकार भ्रष्टाचार, घोटालों और महंगाई पर काबू नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार के शीतकालीन अधिवेशन के पहले ही दिन मुख्य विरोधी दल भाजपा ने सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले आदि मुद्दों पर घेरने की योजना पहले से ही बना रखी थी। सोमवार को नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में सैकड़ों स्थानों पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। नागपुर के कॉटन मार्केट चौक में भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आंदोलन किया। इस आंदोलन में भाजपा विधायक सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, महापौर अनिल सोले, स्थायी समिति अध्यक्ष अविनाश ठाकरे सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को ललकारते हुए कहा कि सरकार विदर्भ के साथ भेदभाव कर रही है, विदर्भ का किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, सरकार पश्चिम महाराष्ट्र पर ज्यादा मेहरबान है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को सरकार मुआवजा तो देती है, लेकिन विदर्भ के किसान खाली रह जाते हैं। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। जादू टोना प्रतिबंध अधिनियम 2013 के अध्यादेश को शीतकालीन अधिवेशन में कायदे के रूप में रूपांतरित करने की संभावना है। बावजूद इसके इस अध्यादेश को हिंदू विरोधी मानते हुए इस कायदे को रद्द किया जाए, ऐसी मांग वारकरी संप्रदाय की ओर से उठाई गई है। जादू टोना प्रतिबंधक अध्यादेश के विरोध में वारकरी संप्रदाय की ओर से 9 दिसंबर को धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान वारकरी संप्रदाय के लोगों ने जादू टोना अध्यादेश को रद्द करने की भी मांग की। हा जो अध्यादेश आहे हा केवळ कुठल्याही प्रकारच्या धार्मिक परंपरा यांना तडा जाईल की काय याच्या सगळ्या विषयाचा अभ्यास न करता त्याच्यामधली जी काही कलमं आहेत त्या कलमालाच व्याख्या आणि स्पष्टीकरण काही दिलेलं नाही त्याच्यामध्ये की बाबा कुणाला लागू होईल, श्रद्धा म्हणजे काय, अंधश्रद्धा म्हणजे काय। तुम्ही ज्ञानोबा तुकोबारांची गोष्ट सांगितली तर ती श्रद्धा असेल, कीर्तन करणं ही श्रद्धा असेल, अमानुष बळी देणं किंवा ही अंधश्रद्धा असेल, याच्या पहिले शासनाने कुठल्याही प्रकारच्या व्याख्या स्पष्ट केलेल्या नाहीत, त्याच्यामध्ये तो कुणाला लागू असेल कुणाला लागू नसेल। गौरतलब रहे की इस अधिवेशन में हिंदू जनजागृति समिति, सनातन सभा, वारकरी सेना के निवृत्ति महाराज आदि के नेतृत्व में मॉरिस कॉलेज मैदान पर अनशन किया गया। अब इनकी मांगों की ओर सरकार ध्यान देती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। पिछले 1.5 साल से पुणे पिंपरी चिंचवड़ की झोपड़पट्टियों और कॉलोनी को नियमित कराने की मांग को लेकर इस क्षेत्र के विधायकों ने लगातार सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन सरकार ने इनकी एक ना सुनी। आखिरकार इन विधायकों ने शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विधान सत्र अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल को अपना इस्तीफा सौंपा। पिंपरी चिंचवड़ के रहते हुए घरों को नियमित करने को लेकर पिछले 1.5 साल से आमदारों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। उन इलाकों में सभी घरों को तोड़ने का काम पिछले 1.5 साल से चल रहा है। आमदारों के साथ अध्यक्ष महोदय की बैठक हुई, मुख्यमंत्री की बैठक हुई और फिर भी कोई निर्णय नहीं निकला, जिसको लेके 4 आमदार अस्वस्थ थे और उन्होंने अपना इस्तीफा अध्यक्ष महोदय को सौंपा है। उनकी एक ही मांग है कि अगर हम जनहित में निर्णय नहीं ले पाते हैं तो
को जनता के सामने जाना हमारे लिए कठिन होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा अध्यक्ष महोदय को सौंपा है। इस्तीफा देने से पहले क्या उन्होंने बताया था एनसीपी को? पिछले 1.5 साल से इस तरह की चीज़ें हैं। एनसीपी की तरफ से बार बार ये मांग उठाई जा रही है कि मुंबई शहर की झोपड़पट्टी को 2000 तक के नियमित करने का सवाल हो, मुंबई में झोपड़पट्टियों को ट्रांसफ़र पॉलिसी का सवाल हो, या कैंपा कोला की तरह जो इमारतें जहां पे लोग चाहे मुंबई शहर हो, थाना हो, पूना हो, पिंपरी चिंचवड़ हो, ऐसे सभी घरों को नियमित करने का निर्णय सरकार ले, ये पार्टी ने बार बार कहा है। पवार साहब ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की है। हमें लगता है कि जनहित के निर्णय है, सरकार तत्काल इन सभी विषयों पर निर्णय ले ताकि अलग विधेयक की मांग को लेकर बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की ओर से विधान भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें अलग विधेयक की मांग पर अपनी आवाजों को भी बुलंद किया गया। साथ ही झांसी रानी चौक में इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। शीत सत्र के पहले दिन विविध संगठनों के पदाधिकारी व सदस्यों ने अपनी प्रलंबित मांगों के लिए धरना आंदोलन का सहारा लिया। इस दौरान पृथक विदर्भ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महंगाई, अतिवृष्टि व महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने सहित अन्य मांगों को रिपब्लिकन एकता मंच की ओर से पेश किया गया। अनेक वर्षापासून विदर्भ राज्य वेगळे व्हावे या करता आंदोलन सुरू आहे। बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच यांचे जे नेते आहेत ॲडव्होकेट सुलेखाताई तुंभारे यांनी सुद्धा हीच भूमिका ठेवलेली आहे की आम्हाला वेगळं विदर्भ राज्य करून घ्यायचं आणि ज्या आदर्शांना घेऊन आम्ही समोर वाढतो, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जे आहेत लहान लहान राज्य असायला हवे, जर तिथल्या नागरिकांच्या सामाजिक आर्थिक उत्थान करायचं आहे तर लहान राज्य आवश्यक आहे, हे बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं आणि त्या आदर्शाला घेऊन त्या विचार। इस दौरान बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और एक बार फिर अपनी आवाज को बुलंद किया। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। सर्व सामान्य नागरिकों के जैसे अपंगों को समझा जाए और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी विविध मांगों को लेकर अपंगों ने सोमवार को धंतोली से विधानसभा पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे को दूसरे संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया और मोर्चे में शामिल भी हुए। अपंग व्यक्ती आज इथे मोर्चा आणलेला आहे, नेमका कुठल्या उद्देशाचा? या ठिकाणी विदर्भ विकलांग संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या संघटना आणि वैयक्तिक स्वरूपाने अपंग म्हणून ज्यांना नाव दिलेलं आहे अशा समाजाच्या आणि सरकारच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी ज्या सरकारने आम्हाला अपंग हे नाव दिलं, मग त्याचा विरोध करण्यासाठी आणि अपंग नाव देऊन सरकारच्या ज्या काही योजना आहे त्या केवळ कागदावर घोषित झालेल्या आहे परंतु त्याची अंमलबजावणीसुद्धा होत नाही। गेल्या काही दिवसाच्या आधीच आपल्याच या नागपूर महानगरपालिकेमध्ये अपंगांना 8x10 व्यवसायाचं शेड निर्माण करण्याचं महापौर अर्चना डेहनकर यांनी घोषित केलेलं होतं, त्यांच्यानंतरचा कार्यकाळही गेला, आता सन्माननीय जे विद्यमान महापौर आहेत यांच्याकडे सुद्धा आणि निर्णय स्थानिक लेवलचे कार्यकर्ते आणि महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले आदि को मुद्दा बनाकर भाजपाने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कॉटन मार्केट चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। आंदोलन में महापौर, भाजपा के चारों विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। रास्ता रोको आंदोलन कर रहे प्रदेशाध्यक्ष और भाजपा के विधायक देवेंद्र फडणवीस, सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर मामला भी दर्ज किया गया है। शीत सत्र के पहले दिन सोमवार को भाजपा ने सरकार की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ कॉटन मार्केट चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया। रास्ता रोको आंदोलन भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में किया गया। आंदोलन में भाजपा विधायक सुधाकर कुंभारे, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, महापौर अनिल सोले सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस आंदोलन की खास बात ये रही कि इस आंदोलन में भाजपा की महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। रास्ता रोको आंदोलन करीब 1 घंटे तक चला। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कॉटन मार्केट आने वाले सभी रास्तों को दूसरी तरफ मोड़ दिया था। आंदोलन की अवधि को बढ़ता देख आखिर पुलिस ने रास्ता रोको आंदोलन कर रहे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस सहित तीनों विधायकों और कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर लिया
और यातायात को पुनः शुरू करवाया। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। सदन में सरकार ने जादू टोना विधेयक पर प्रस्तुतीकरण शुरू किया, जिसमें विपक्ष ने इस विधेयक पर सरकार की कई खामियां गिनाई। विपक्ष ने इस कानून के कई मुद्दों में दुरुस्ती कर सभी सदस्यों की सहमति से पारित करने की बात भी कही है। समाज सेवी नरेंद्र दाभोलकर के बलिदान के बाद लंबे समय से प्रलंबित पड़े अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून पर शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार ने सदन में प्रेजेंटेशन शुरू किया। इस दौरान विपक्ष ने इस कानून में सरकार की कई खामियां गिनाई। गौरतलब रहे कि सनातन धर्म संस्था के साथ कई धार्मिक संस्थाओं ने इस विधेयक पर आक्षेप उठाया है। विधान परिषद विपक्ष नेता विनोद तावड़े ने कहा कि इस विधेयक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंच सकती है, जिसके चलते सरकार ने इस विधेयक में दुरुस्ती करनी चाहिए। आता जे ड्राफ्ट बिल है कि अध्यादेश है त्यातल्या काही गोष्टींविषयी संदेह आहे किंवा क्लॅरिटी नाही आहे, स्पष्टता नाही आहे, आणि त्यामुळे आजच्या प्रेझेंटेशनमध्ये अनेक आमदारांनी अनेक प्रश्न विचारले आणि त्यामध्ये स्वाभाविकपणे बिल बनवणाऱ्या सरकारलाही काही तथ्य वाटतं आहे। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या लोकांनी, नेत्यांनी किंवा लोकराज्याचे श्याम मानवाने लिहिलं आहे त्या गोष्टी सेव्हिंग क्लॉजमध्ये टाकल्या त्यातल्या 90% गोष्टी या आपोआपपणे लोकांच्या मनातल्या दूर होतील, पण तरीही काही शंका राहतात आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की पुरोगामी महाराष्ट्रात असा कायदा हा सर्व जनतेच्या संमतीने खरा म्हणजे एकमताने सभागृहात पारित झाला पाहिजे आणि त्यासाठी अशा जर काही दुरुस्त्या असतील तर त्या लवकर आपण केल्या पाहिजे। तर उद्या सर्व पक्षाच्या गटनेत्यांची बैठक ही घेतली जाईल आणि या बैठकीमध्ये अशा ज्या सूचना आहेत त्याचा विचार करून हे विधेयक सरकारकडनं आणलं गेलं। तर मला असं वाटतं की डॉक्टर दाभोळकरांनी आपलं जीवन ज्या विषयाने लावलं त्या विषयाला सभागृहाने नीट न्याय दिला। उगाच घाईघाईत पारित झालं, चर्चा न होता झालं असं न करता सर्व बाजूने चर्चा होऊन ते पारित होणं महत्त्वाचं आहे आणि ते मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं आहे आणि अशी बैठक उद्या आम्ही करून यातल्या ज्या सूचना आहेत त्या खात्याकडे आम्ही देऊ आणि मग ते नंतर बिल। आगे तावडे ने बताया की इस विधेयक को लेकर अन्य विपक्ष दल के साथ चर्चा की जाएगी, जिसके बाद यह विधेयक दोनों सदनों में रखा जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन त्रिगुड़े के साथ तौसिफ पठान की रिपोर्ट। विदर्भ राज्य निर्माण का सरकारी प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने विदर्भ राज्य निर्माण की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। इस मांग को लेकर विदर्भवादी नेता विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे ने विधान भवन परिसर में अलग विदर्भ राज्य का बैनर पहनकर सरकार का ध्यान आकर्षण किया और पृथक विदर्भ की जोरदार मांग भी की। इन बीच संवाददाता तौसिफ पठान ने विधायक अनिल बोंडे से विदर्भ की समस्याओं पर खास बातचीत की। आइए जानते हैं बातचीत के कुछ खास अंश। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विदर्भवादी नेताओं ने विधान भवन परिसर का ध्यानाकर्षण करते हुए पृथक विदर्भ की जोरदार मांग की। हमारे साथ में मौजूद है विधायक अनिल बोंडे जी, आइए जानते हैं कि सरकार की क्या नीति है विदर्भ के बारे में। विदर्भ में यह अधिवेशन हो रहा है, सिर्फ 10 दिन का अधिवेशन है। नागपुर करार जो 1953 में हुआ था उसमें लिखा है कि 6 हफ्तों का अधिवेशन नागपुर में होना चाहिए। नागपुर करार के अनुसार 23% निधि विदर्भ के सिंचन के लिए देना चाहिए, 23% उद्योग विदर्भ में शुरू करना चाहिए, विदर्भ के युवाओं को 23% नौकरियों में स्थान देना चाहिए, आधा मंत्रिमंडल पूरे साल भर विदर्भ में रहना चाहिए, नागपुर में रहना चाहिए। लेकिन इसका पालन हुआ नहीं, इसलिए समस्या निर्माण हो गई कि 70,000 करोड़ रुपए का सिंचन का अनुशेष निर्माण हो गया, यहाँ की भूमि सिंचित नहीं हुई, इसके वजह से 32,000 काश्तकारों ने आत्महत्या की। यहाँ के युवा नक्सली मूवमेंट में चले गए, 5 राज्यों के नक्सली मूवमेंट शुरू है और संपूर्ण विदर्भ में अस्वस्थता है। इसलिए 28 सितंबर 2013 को 60 साल के बाद में नागपुर करार की होली की गई और विदर्भ के जनता ने अपने मन से महाराष्ट्र को निकाल डाला, विदर्भ का राज्य स्थापित किया और यह विदर्भ राज्य का पहला अधिवेशन 5 और 6 दिसंबर को हुआ। इसमें विदर्भ का अर्थसंकल्प शिल्की अंतर अर्थसंकल्प रखा गया। प्रशासकीय दृष्टिया
विदर्भ राज्य कैसा योग्य है यह भी अधिवेशन में बताया गया, और वही अधिवेशन का रेफरेंडम लेके हम यहाँ पे आए हैं महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन देने के लिए कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सत्ताधारी नेता यह शासकीय ठराव लाए विदर्भ राज्य निर्मिति का, और ठराव पारित करके वह केंद्र शासन को भेजे और केंद्र से आग्रह करे कि विदर्भ राज्य की अधिसूचना तेलंगाना के साथ में निकाले और विदर्भ राज्य घोषित करे। चटप जी, मुझे ये बताइए कि इस कार्यकाल का ये आखिरी सत्र माना जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार विदर्भ के लिए क्या सौगात ला सकती है? जैसा हम इसलिए आए हैं कि अब सरकार नाम की चीज करने के लिए उनके जेब में कुछ बचा ही नहीं है। जब 75,000 करोड़ का 53 साल का बैकलॉग तैयार हुआ है और राज्य की आर्थिक हालत बहुत ही खस्ता है, राज्य पर 2,63,000 करोड़ का कर्जा है, 10,000 करोड़ का डेफिसिट बजट है, छठे वेतन आयोग के बाद तीन क्लास थ्री और क्लास फोर की एम्प्लॉयमेंट बंद है, 2 लाख पोस्ट क्लियर वैकेंट है, पगार देने के लिए पैसे नहीं। ऐसे हालत में सरकार अभी कुछ दे नहीं सकती, और हमने 5-6 को विदर्भ के असेंबली का सेशन लेकर बजट रख कर अपने रिसोर्सेज से तैयार किया हुआ बजट 45,110 करोड़ का करके 110 करोड़ का सरप्लस बजट किया है, और ऐसे हालत में अभी हमने तय किया कि हम नक्सलवाद नहीं सहेंगे, हम कुपोषण नहीं सहेंगे, हम किसानों की खुदकुशियां नहीं सहेंगे, और रेस्पिरेटिव डिसीजन के लिए हम प्रदूषण भी नहीं सहेंगे, आगे हार्ट डिसीज से हमको मरना नहीं है, और कम जनप्रतिनिधि की तादाद एमपी और एमएलए की होने वाली कल हम वो भी नहीं सहेंगे, और ये सब सवालों का जवाब एक है कि हमारा राज हमें दे दो, बस दैट्स ऑल। चटर्जी जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह विदर्भ के किसानों की जो हालत बुरी है, सोयाबीन के भाव, सोयाबीन में कम पैदावार हुई जिसके चलते कई किसानों आत्महत्या के और कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसे के अंदर में सरकार ने जो निधि, जो पैकेज घोषित किया था उस पर अब तक अमल नहीं किया गया, इस बारे में क्या? नहीं, इसमें तो ये इस पर से ही सीधा दिख पड़ता है कि सरकार की अवस्था सफेद जेब खाली ऐसी हालत हुई है, और ये उन्होंने कुछ भी बोला तो मुंह में आया बक दिया, ऐसी हालत हो गई है। 14 अगस्त को सरकार ने जीआर निकाला, कपास सोया को 5,000 पर हेक्टर 2 हेक्टर तक, पैड़ी को 7,500 2 हेक्टर तक, जैसा जमीन का जो इरोजन हुआ है उसको 20,000, जिसका कोलैप्सिंग हुआ उसको 25,000, और 3.5 महीने तक पैसे नहीं आए। सेंटर ने जब 1880 करोड़ में से 985 करोड़ दिए, उसके बाद इन्होंने 1/3 पैसा रिलीज किया है, और खुद की जिम्मेदारी सरकार नहीं समझ रहे। सरकार ने, हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि तुरंत निर्णय करो, तुरंत एक प्रस्ताव करके पारित करो, केंद्र को रिक्वेस्ट करो कि भाई आप रिजोल्यूशन लाओ तेलंगाना के साथों साथ, और इस जंग की एक फॉर्मल नोटिफिकेशन निकालो, और हमारा स्टेट सेपरेट स्टेट हुआ ऐसा डिक्लेरेशन करो। पहले ही विदर्भवादी नेताओं ने गले में पृथक विदर्भ का बैनर लटका है, वे सर के धनाकर्षण करते हुए पृथक विदर्भ की जोरदार मांग की। देखने वाली बात होगी कि संविधान मंडल में पूरे दिन पृथक विदर्भ का मुद्दा जोरदार चर्चा में रहेगा। कैमरा पर्सन नितिन तिलगुल के साथ तौसीफ खान, एनबीसी न्यूज, नागपुर। अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण है, लेकिन इसका लाभ संबंधितों को नहीं मिल रहा है, और इसका लाभ बोगस आदिवासी उठा रहे हैं। ऐसे बोगस आदिवासियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से सोमवार को एक मोर्चा निकाला गया। आहोत तर या मागणी करता आमची प्रमुख मागणी ही आहे की महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये एकूण 1.5 लाख बोगस आदिवासी आहेत, तर त्या 1.5 लाख बोगस आदिवासींना हटवून त्या ठिकाणी खऱ्या आदिवासींची नियुक्ती करायला पाहिजे अशी आमची शासन दरबारी मागणी आहे। त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने 2000 अधिनियम काढला, त्या 2000 अधिनियमच्या अंतर्गत की जो बोगस आदिवासी असेल त्याला 50,000 रुपये दंड आणि 2 वर्षाचा कारावास अशा प्रकारची शिक्षा असताना देखील कुठल्याही बोगस आदिवासीला मात्र अजूनपर्यंत शिक्षा झालेली नाही, म्हणून खऱ्या अर्थाने हा खरा आदिवासी म्हणजे। पृथक विदर्भ के लिए विदर्भ बंद की घोषणा के साथ ही नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से 9 दिसंबर को ली जाने वाली MSW तृतीय सत्र परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब परीक्षा 9 दिसंबर के बजाय 16 दिसंबर को होगी। शीत सत्र के अधिवेशन की शुरुआत 9 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान विदर्भ में व्याप्त विभिन्न समस्याएं तथा विपक्षी नेताओं से इस मुद्दे पर चर्चा भी हो रही है, साथ ही विविध संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किए जा रहे हैं।
विधानमंडल का शीत सत्र सोमवार से उपराजधानी में आरंभ हो चुका है। विपक्ष सहित पूरी सरकार नागपुर में भी पहुंच चुकी है। इस बार मुख्यमंत्री ने नेल्सन मंडेला के शोक के कारण चाय पान का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया था, मगर विपक्ष को विविध मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाना पड़ा। विपक्ष ने भी सीएम के शब्दों को मान देते हुए निमंत्रण स्वीकारते हुए सीएम के रामगिरी स्थित निवास पर विस्तार से चर्चा की। गौरतलब रहे कि विपक्ष की ओर से बताया गया कि नागपुर का यह सत्र आखिरी होने से सीएम के साथ चर्चा करने का निर्णय विपक्ष की बैठक में लिया गया है। वहीं दूसरी ओर किसानों की आत्महत्या, कृषि उत्पादों को उचित दाम, विदर्भ के लिए विशेष पैकेज, बिजली के बिलों में लगातार की जा रही वृद्धि, विदर्भ का अनुशेष, सिंचाई योजनाओं का बैकलॉग जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बताया जाता है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर तय किया है कि अधिवेशन का समय फिजूल में व्यर्थ करने की बजाय विदर्भ के मुद्दों पर अधिक से अधिक ध्यान देकर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इनबीसी न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सोमवार को कॉटन मार्केट चौक पर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई आदि मुद्दों को लेकर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आंदोलन में महापौर अनिल सोले, विधायक कृष्णा खोपड़े, सुधाकर देशमुख, विकास कुंभारे, पूर्व महापौर अर्चना डेहनकर सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेते हुए करीब एक घंटे तक कॉटन मार्केट चौक पर एक भी वाहन आने जाने नहीं दिया। सोमवार को दोपहर को अचानक ट्रैफिक पुलिस ने कॉटन मार्केट चौक की ओर आने वाले सभी रास्तों को दूसरी ओर मोड़ दिया था। उपराजधानी की जनता इस बात से अनजान थी कि कॉटन मार्केट चौक पर भाजपा का रास्ता रोको आंदोलन शुरू था। दरअसल सरकार पर महंगाई बढ़ाने, भ्रष्टाचार घोटाले, पेट्रोल, गैस मूल्य वृद्धि आदि के आरोप लगाते हुए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में कॉटन मार्केट चौक पर रास्ता रोको आंदोलन किया था। यह आंदोलन करीब एक घंटे तक चलता रहा। पिछले समय जब बड़े पैमाने पर बारिश हुई और किसानों की फसलें खराब हुई, सरकार ने 1800 करोड़ का पैकेज घोषित किया था, लेकिन दुर्दैव से किसी भी किसान को उसमें से पैसा नहीं मिला। जो रास्ते खराब हुए थे उन रास्तों को पैसा दिया जाएगा ये सरकार ने कहा, वो भी सरकार ने नहीं दिया। इसके साथ ही कपास, धान और सोयाबीन, इनका जो भाव है वो भाव भी सरकार नहीं दे रही है। किसानों को आत्महत्या करने के लिए सरकार एक प्रकार से प्रवृत्त कर रही है। आज बड़े पैमाने पर किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसीलिए विदर्भ और मराठवाड़ा में करीब 500 से 700 ठिकानों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता रोको आंदोलन किया है। हमारे हजारों कार्यकर्ता रास्ते पर है और इस सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल हमने शुरू किया है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा ये हल्ला बोल चलता रहेगा। रास्ता रोको आंदोलन में भाजपा की महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। ये महिलाएं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विधायक सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे के साथ कॉटन मार्केट चौक पर बैठ गई थी। भाजपा के रास्ता रोको आंदोलन के चलते लगभग एक घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। गौरतलब रहे कि रविवार को ही चार राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम आए, जिसमें भाजपा ने चारों राज्यों का बहुमत हासिल किया है। अब भाजपा महाराष्ट्र में अपनी वापसी चाहती है। यह आने वाला समय ही बताएगा कि राज्य की जनता इस बार किसे मौका देती है। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ रिपोर्टर राकेश यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आज भाजपा ने रास्ता रोको आंदोलन का आयोजन किया कॉटन मार्केट चौक पर। यहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ राकेश यादव, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर। जिला परिषद महिला परिषद महासंघ की ओर से सोमवार को विविध मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया मॉरिस कॉलेज परिसर में। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। शासन की ओर से दी जाने वाली आरोग्यदायी योजना का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो है महिला परिचारिकाएं। बावजूद इसके उनकी आवश्यकताओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उनके वेतन में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी न किए जाने से उन्होंने अपना रोष इस शीतकालीन अधिवेशन में एक बार फिर निकाला है। साथ ही अपनी विविध मांगों को भी इस दौरान रखा। मागणी आहेत, आम्हाला किमान वेतन 10,000 मिळालं पाहिजे आणि नियमित सामावून घेतलेलं पाहिजे। आम्ही अर्ध वेळ असलं तरी आम्ही पूर्ण वेळ काम करतो आहे आणि हा शासनाचा गैरसमज आहे। आम्हाला 1200 रुपयावर राबवून घेत आहे आम्ही पूर्ण आरोग्य सेवेचे। गौरतलब रहे कि इस आंदोलन में गांव और शहरों में कार्यरत सभी परिचारिकाओं ने हिस्सा लिया था। इससे पहले भी कई बार इन संगठनों की ओर से आंदोलन और धरना प्रदर्शनों का सहारा लिया गया था। बावजूद इसके अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। इस बार उम्मीद की जा रही है कि इन संगठनों की सभी मांगों को आखिरकार मंजूरी मिल जाए। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।
सोमवार को अधिवेशन के पहले दिन होम्योपैथिक डॉक्टर्स अन्याय निवारण संघर्ष समिति की ओर से अपनी विविध मांगों को लेकर मॉरिस कॉलेज ग्राउंड पर बेमियादी अनशन शुरू किया गया है, जिसमें उन्होंने विविध मुद्दों पर चर्चा की। होम्योपैथिक डॉक्टरों को आवश्यकता के अनुसार एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से इलाज करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का समावेश करने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान में शामिल होम्योपैथी डॉक्टरों की संख्या और वेतन अन्य राज्यों की तरह ही करने आदि मांगों को लेकर डॉक्टर्स अन्याय निवारक संघर्ष समिति की ओर से अधिवेशन पर अनशन किया गया। महाराष्ट्र होम्योपैथिक डॉक्टर्स अन्याय निवारण समिति महाराष्ट्र राज्य ह्याच्या अधिपत्याखाली हे आम्ही आंदोलन केलेलं आहे। महाराष्ट्र होम्योपैथी डॉक्टरांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यात महत्त्वाची मागणी आहे इंटरपॅथीचा कोर्स महाराष्ट्रातल्या होम्योपॅथी डॉक्टरांना द्यावा, त्या संघाने अनुसंघाने जे जे कायदे त्यांना करायचे बदल करायचे असतील ते करावे। दुसरी मागणी आहे आमची स्वतंत्र संचालन आहे। तिसरी मागणी आहे होम्योपॅथी डॉक्टरांचा जे सरकारी शासकीय दवाखाने आहेत त्याच्यामध्ये समावेश करावा। चौथी मागणी आहे आमची की एनआरएचएम जी केंद्रीय शासनाची योजना आहे, बाकीच्या राज्यामध्ये ह्याच डॉक्टरांना विद्यावेतन ऑनोरिझम किंवा पगार जो आहे तो महाराष्ट्र शासनानेही द्यावा। त्याचबरोबर आमचे ज्यावेळेला डॉक्टर VHMS पूर्ण करतात इंटर्नशिप करतात त्यावेळेला त्यांना विद्यावेतन द्यावं MD म्हणजे इंटर्नशिपच्या काळामध्ये, आणि जे मुलं पदव्युत्तर पदवी घेतात म्हणजे MD करतात त्यावेळेला त्यांना विद्यावेतन द्यावं। इस दौरान विविध डॉक्टरों की ओर से मॉरिस कॉलेज मैदान पर धरना किया गया था। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शीत सत्र के पहले ही दिन विदर्भ और किसानों का मुद्दा गूंजा सदन में, विधायक अनिल बोंडे ने उठाया पृथक विदर्भ का मुद्दा। पुणे पिपड़े चिंचवड़ की झोपड़पट्टी और कॉलोनी को नियमित करने की मांग को लेकर चार विधायकों ने दिया इस्तीफा। और भाजपा का रास्ता रोको आंदोलन से चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस सहित सैकड़ों गिरफ्तार व रिहा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कीजिए हमारे वेबसाइट www.nbcn.in पर। खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए NBCN न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।